दिनेश दिनेश से दिनेश राजनीति में जब कोई भी यहाँ पर मशहूर चेहरा एंट्री मारता है कहा जाता है कि उसकी जो अपनी विरासत होती है चाहे वो क्रिकेट जगत से हो फिल्म इंडस्ट्री से हो वो कहीं कही ना कहीं आधार बनता है उसके पहले चुनाव में उसको वोट मिलने का लेकिन जब वो दूसरे चुनाव में उतरता है आधार बनता है उसके पिछले चार पांच छह सालों का काम क्या काम करने में विफल रहे क्या यही कारण है कि उन्हें एक अंदरूनी आंकड़ा या सर्वे नहीं ही दिग्गज में बनी हुई है पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होने वाली है करीब एक घंटे के बाद और यहाँ से खबरें जो सामने आ रही है सौ से ज्यादा उम्मीदवारों के जो पिछले उम्मीदवार थे उनके टिकट कट सकते हैं बड़ा झटका देने वाली है भारतीय जनता पार्टी उन सांसदों को यहां पर जो कि अपने लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आए आपको मैं एक बयान याद दिला दूं अशोक चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सांसद हैं एक खुली जनसभा में उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच नहीं आ पाया आपके काम मैं नहीं कर पाया इसलिए यह सजा मुझे दे देना पीएम मोदी को इसकी सजा मत देना यानी कि साफ तौर पर गलती कबूल करते हुए ये स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोगों के बीच पिछले पाँच साल में नहीं पहुंचे देखिए अक्षय इस वक्त जो है परिस्थितियां ये राजनीति का जो दौर है ये 1970 सौ सत्तर आशी वाला नहीं है अब नया भारत आ चुका है लोग काम करना चाहते हैं लोग अपना डेवलपमेंट चाहते हैं और इसमें यदि आप सक्रिय भूमिका में नज़र नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं लोग आपको पाँच साल के लिए चुनकर इसलिए भेजते हैं ताकि उनके जो इलाके हैं उनका विकास हो सके उनकी समस्याएँ जो है उनको पटल पर रखा जाए समस्याओं का निवारण किया जाए आपको मैं बता दूं हरियाणा के एक वाक्य याद आता है मुझे 2014 के लोकसभा चुनाव में उस वक्त दक्षिण हरियाणा के भिवानी में रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं इस प्यासी धरती को पानी देने के लिए आया हूं और इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा था कि यह इलाका उन लोगों का है जो यहां से हरियाणा से लेकर और लाहौर तक जो है अपनी लकीर